गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 8, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. इक्वेशंस क्या होता है? कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया. वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. वेरिएबल में जैसे x, y, a, b, z, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल में, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें एक वेरिएबल होगा और एक नंबर भी हो सकता है, ठीक है? ये एक इक्वेशन है. या इस टाइप की इक्वेशन बन सकती है, या फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a. तो ये सारी क्या है? इक्वेशन जिनमें एक वेरिएबल है और नंबर है, ठीक है? तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल प्रेजेंट होगा वो कैसी, उससे हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन क्या होगा? लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या है? लीनियर यानी वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी. यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है? 2. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी. लाइक a प्लस 3, एक्स प्लस 7, 4x प्लस 21, ये सारी क्या है? लीनियर इक्वेशंस. इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इनमें वेरिएबल प्रेजेंट है. लीनियर इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल है इनकी पावर क्या है? पावर में कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे इसको हम 1 एज्यूम करते हैं. पावर यहाँ पर क्या है? 1 है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है a. अगर आप ये इक्वेशन लेते हैं इसमें कितने वेरिएबल है? 1, 2, 2 वेरिएबल है. बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है a, यहाँ वेरिएबल क्या है? x. यहाँ भी x एक ही वेरिएबल है. बट अगर ये इक्वेशन हमें गिवन हो तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आएंगे. हमें इस चैप्टर में 1 वेरिएबल्स के बारे में ही स्टडी करना है. अब लीनियर इक्वेशन को आप लिखेंगे कैसे? जैसे कोई भी आपने एक इक्वेशन लिखी, उसके बाद आप इक्वल का साइन यूज़ करेंगे. यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिखी होगी. तो लीनियर इक्वेशन में 2 टर्म्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट. इक्वल के बाद की जो टर्म है वो क्या है? राइट हैंड साइड टर्म, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन को जनरली ऐसे लिखा जाता है जिसमें एक वेरिएबल होगा, नंबर्स होगा, इक्वल का साइन यूज़ किया जाएगा और इस फॉर्म में होगी. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. वेरिएबल एक ही है यहाँ पर. या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9. ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल. एक ही वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है? 1. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब इस चैप्टर में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट देखिए, इफ़ 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू. ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है. वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1, डेट इज x, ठीक है? और ये लीनियर है क्योंकि x की पावर कुछ भी नहीं गिवन, डेट मीन्स x का पावर यहाँ क्या है? 1. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 25. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे? 1 by 1 बाकी नंबर्स को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो नंबर हमें प्लस या माइनस में गिवन होता है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. यहाँ पे हमें गिवन है प्लस 4. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? प्लस 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे. जो प्लस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में. अगर यहाँ माइनस 4 होता है, यहाँ आकर वो प्लस 4 बन जाता. तो इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है? 1 by 1 सारे जो नंबर्स हैं आप ये राइट हैंड साइड में लेके आएंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले मैं 4 को यहाँ मूव करूँगी. 4 को जब आप यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस 4 है. यहाँ इक्वल के दूसरी साइड जाने के बाद, राइट साइड में जाने के बाद, इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. अब बताइए 25 माइनस 4 का वैल्यू क्या आएगा? 21. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, बट यहाँ तो 7 भी लिखा हुआ है. अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में 7 को आप इक्वल के यहाँ लेके आएंगे. अब 7 यहाँ, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? 7 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब आप
7 को यहाँ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, x इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3। तो x का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।